जय जगन्नाथ। महाप्रभु जगतरनाथ जगन्नाथंकर श्री चरण कमल रे ए सेवकर साष्टांग प्रणिपात। भक्त बंधु आपण मानंको ओडिसा 365 यूट्यूब चैनल द्वारा प्रचारित श्री जगन्नाथ महिमा कार्यक्रम को अनेक अनेक स्वागत। भक्त बंधु आपण माने आम चैनल माध्यम रे महाप्रभुंकर अनेक लीला कथा माधुर्य को श्रवण करी आह्लाद लाभ करिसेंती। निश्चित भाव रे आपणंकर मन आपणंकर चित्त वृत्ति महाप्रभुंकर चरणारविंद रे निवेदित होइछि या निसंदेह। एहा आमर चैनल द्वारा प्रसारित विभिन्न कार्यक्रम रे आपण माने देउथवा प्रतिक्रिया रु स्पष्ट भावे अनुमेय। से क्रम रे भक्त बंधु आपण माने जानंती ये जातिर ना जगन्नाथ, ये जातिर ना जगन्नाथ केवल नुहे जातिर जातकर ना भी जगन्नाथ। आमर जन्म रे जगन्नाथ, आम मरण रे जगन्नाथ, आम एकोइसिया रे जगन्नाथ, आम एकादशा रे जगन्नाथ, सर्वोपरि आम वर्ष पूरणी रे जगन्नाथ, आमर वर्षिकिया रे भी जगन्नाथ। महाप्रभु प्रत्येक जगार आमर चकापारी विराजित अच्छा। महाप्रभु को बाद दे ओडिया जातिर बाहापुआणी हो पार नहीं आज्ञा। जदि कहार बाहाघर हबार थी, व्रतघर हबार थी ना, कहीं बंधु पछे न आसतु। बापा जा पहुँचे लक्ष्मी सांताणी वस्त्र शखा सिंदूर आउ कालिया सांतपाई गुआ नड़िया पैता नहींक्रि सिंगी द्वारे ठिया पड़े। प्रभु हे बंधु हे जगबंधु पछे के ही बंधु मोर न आसतु। आपण प्रथम बंधु भाव में मोर प्रथम मंगल कार्य आपण उपनीत हो जातु। जो जातिर मंगल जगन्नाथ खोजा हुए जिते बड़े तार अमंगलता आरंभ हम जिते बड़े कौन व्यक्तिर मृत्यु होना दाह संस्कार सारी फेर बेलू टे महार्त पाई फेर परंपरा अच्छी। प्रभु आमर मंगल आम आपण खोजु अमंगल भी आपण को लोड़ु। प्रभु आमर एंतुड़ी आपण आम जुई रे भी आपण ये जातिर जगन्नाथ सहित संपर्क ए प्रकार आम कौन कहू ये संबंध संपर्क रे। भक्त बंधु आपण माने समस्ते जानती बड़देउल महाप्रभुंकर सेवा संपादन करने निम्ते प्राय 119 प्रकार सेवक श्रीमंदिर स्वत्वलिपि अनुसार सेवा संपादन करु। तन्मध्यरु प्राय समस्त होती पुरुष सेवक, जड़े मात्र स्त्री सेवक जहाँ को आम संप्रदा निजोग भितर गाउणी बाहर गाउणी देवदासी भाव में संबोधन करें। महाप्रभु को स्त्री सेवा दे था प्रथम। द्वितीय हूँ महाप्रभु श्रीमंदिर जन स्वतंत्र सेवक अच्छा जहाँ नाँ हूँ महाभोई सेवक, जो मैंने नित्य महाप्रभु सेवा संपादन होगा निम्ते दुग्ध दधि जोगे था। घर माँ मैने बोहू मैने जिते बड़े भगवान कृष्णंकर नंदलीला गोपलीला श्रीक्षेत्र शुभारंभ हुए ना, ये राम कृष्ण मदन मोहन जिते बड़े लवणीखिया निम्ते लवणीखिया हाट को लवणीखिया मंडप को विजय हमें सेठी महाभोई घर माँ मैने दी सान पा रामकृष्ण दी भाई को निज हाथ में लोहुणी खुआई था। ए स्त्री सेवा श्रीमंदिर रही जच यह स्वत्वलिपि जनित सेवा नुहे। तद्भिन्न भक्त बंधु आमे समस्ते हूँ स्त्री और से एकमात्र पुरुष से तो ये प्रकार भाव समग्र जगत में देखा मिले। महाप्रभु एकमात्र पुरुषोत्तम ये सारा जगत तांकर कांता ए भाव को पाथेय करी भक्त बंधु आमे आपण को श्रीक्षेत्र आउ गोटे श्रीक्षेत्र को नहीं जीव। दर्शक बंधु से भेद सृष्टि करिवे नी जे श्रीक्षेत्र तो निश्चित भाव में मूल क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र श्रीकर क्षेत्र ही श्रीक्षेत्र। महाप्रभु पुरी रुहंती ना, महाप्रभु जोठी रुहंती ताहा पुरी। ए भाव सब था भक्त बंधु कारण जगन्नाथ हो आधार आधार को नहीं आधेय सब लीला विस्तार करी थाए। ये जगत हूँ आधेय तार आधार हूँ महाप्रभु। से क्रम पश्चिम ओडिशार बरगढ़ जिलार भटली गोटे प्रख्यात जगन्नाथ मंदिर अच्छी जहाँ को भक्त माने वर्तमान समय दर्शन करुंट अति विशाल भाव में तार नवनिर्माण करा किंतु से मंदिर तैयारी पृष्ठभाग गोटे विराट ऐतिहासिक भावुक मार्मिक कथा देखा मिले। भक्त बंधु ये आज को प्राय 500 वर्ष तलर कथा माने ये 16 शताब्दी कथा घटना कौन घटी ना बरगढ़ जिलार भटली जड़े परमानंद साहू बोली जड़े व्यक्ति थे बड़ जगन्नाथ प्रेमी। श्रीक्षेत्र को आसिले कालिया सांतंकर से कोटि कामिनी काम दला नेत्र को देखिले से विस्फारित रंग अधर प्रसारित हसर बन्यारे से बोहीगले आ से प्रलम्ब भुजपंजर छाई को आश्रा करी गले गले सिना श्रीक्षेत्र महाप्रभु को दर्शन कर जीवापर मन कौन आ क्षेत्र फेरब
इच्छा है बारंबार से कोड़ा मच मच मुह को देखापी से शगड़ गुड़ा भाया आखि को देखापी से डंगा पराए ओठ को देखापी कौन से देहरे अच्छे काठर देह को पथर छाती कला मुह सते उआस राति भुज नुह जेने शगड़ दंडा चालुणी आखिकी मनटा हुंडा तथापि कहीं जिते देखुले मंत बदन मन मोर जमा बुझे ना तथापि कहीं परमानंद साहू को बारंबार इच्छा है से मोहिनी कला रूप को देखा निम्ते आ घरे बस प्रार्थना कले प्रभु मु तो बरगढ़ में रही भटली रही आपण कहीं श्रीक्षेत्र अच्छा पुरुषोत्तम पुरी में केते दूर आपणकर निवास आ मो निवास भितर आपण इठिक आसी जाते जो ए प्रकार भाव को व्यक्त करुं महाप्रभु चरणार बिंदर आ प्रभु तो भावग्राही से मेहर से पदावली निश्चित भाव में प्रत्येक भक्तंकर कर्ण कुहर से झंकृत होउथव दुरुश्री पयरे प्रणति बाढ़ई घेनता विश्व सम्राट विश्व जीवन हे तुम्हु करुणा सिंधु बोलू मन बड़ूना जेणु सिंधु तब कृपा बिंदु जिते दूर आम थे महाप्रभु को डाक पकेले प्रभु निश्चित भाव में शुणे यह निसंदेह तेणु जिते बड़े परमानंद साहू महाप्रभु विकल ही प्रार्थना कले प्रभु आपण को तो किसी भी लोड़ा ना न धनंग न जनंग न सुंदरी कविता बा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे तुकी तोई आपणकर अचला निश्चला प्रीतिलक्षणा भक्ति टिकक मिल जाऊ प्रभु भक्ति केमी मिल आपण सेवे तो मिल आपण ना आपण सेवा केमी हम मणिमा कहतु आपण कृपा करतु जिते बड़े कातर कंठरे विकल ही परमानंद साहू प्रार्थना कले महाप्रभु स्वप्नादेश फल भटली निकटवर्ती गांगपुर इस्टेट्रे दांड जिंभीरा गाँव में महाप्रभु कहले परमानंद मुझे निवास करुच्ची हठात तंद्रा भग्न है निद्रा भग्न है भक्त बंधु ए प्रकार भाव के स्वीकार करेनि जे जदि निदरे आपण जगन्नाथ को देखुं मिछ बोल ना प्रभुंर अनेक प्रकार दर्शन भितर स्वप्न दर्शन एक स्वतंत्र दर्शन एवं यार अनेक शास्त्रीय विधि रही स्वप्न मिछ हो पारे स्वप्न दिशुवा प्रभु कौन मिछ नुहे ना सर्वे संसार मिथ्या नव जल दतनु जगन्नाथोपि सत्य ये सारा जगत मिथ्या हो पारे जगन्नाथ सत जितेबले से विकल हो महाप्रभु को प्रार्थना कले महाप्रभु कहले परमानंद मुझे गांगपुर इस्टेट्र दांड जिंभीरा गाँव में अच्छी आस मत नहीं जाओ गला बेलू दांड जिंभीरा गाँ गोटे छोटिया चाल घरे महाप्रभु दधिवामन स्वरूप एका जगन्नाथ अच्छा जो भी एका जगन्नाथ सेवा हमें समग्र उत्कल भूखंड कौटी पतित पावन कौटी दधिवामन कौटी माधव रूप से सेवा कराएर एक प्रकार नाम संबोधन होता है जितेबले दांड जिंभीरा गाँव में पहुँचिले और महाप्रभुंर दधिवामन स्वरूप को देखिले मन महाप्रभुंर चरणारविंदर बंधा पड़ा कहले मत दिवक दे दिंतु विकल हो प्रार्थना कले जेणु सेठे ठीक से सेवा हो पार ना से ग्रामवास चिंता कले अच्छा आम तो महाप्रभु सेवा करना जदि या जाते महाप्रभु सेवा हमें आ जो पाख बेस दूर बाट नुहे आम भी जा महाप्रभु दर्शन लाभ करतु भक्त बंधु आम या विरोध करूना कि बर्तमान समय जो प्रकार मंदिर चली जिते प्रकार निजर आडंबर को देखा निम्ते एत नुआ नुआ मंदिर आम या सेठी विभिन्न ठाकुर मानक आनी बसोचे जो ठाकुर मानक बाटी बाटी संपत्ति भू संपत्ति थिला से माने वर्तमान समय सेवा पूजा पर्व पर्वाणी ठीक से हो पारुनी आहुरी नुआ मंदिर तैयारी करी ताकु प्रतिष्ठा करी कौन लाभ रही आम बुझी पारुनु कारण आम सिना आम समय तक ठीक से करदे तापर से दिवर जानी जत्रा उत्सव नीति कांति ठीक से हो पार तो कारण ए प्रकार प्रतिश्रुतिबद्ध कहीं पारे ना आगु कौन हम क्या जना शास्त्र रे ए प्रकार विधि भक्त बंधु वर्णना करा जाई जो व्यक्ति गोटे नूतन मंदिर तैयारी करी भगवान कर प्रतिष्ठा आरंभ करी थाए एवं सेठी ठाकुरंकर ठीक से सेवा अर्चना ही थाए से व्यक्तिर 14 पुरुष माने पूर्वर 7 पीढ़ी एवं परर 7 पीढ़ी उद्धार हो जाते भक्त बंधु आपण यह शुणिकी आनंद लाभ करतुनि जदि से प्रतिष्ठित मंदिर रे ठाकुरंकर सेवारे नीति रे कांति रे पर्वरे पर्वाणी रे सामान्य अवहेला हुए ताले एकोईस पीढ़ी नर्कगामी हमें बोली स्कंद पुराण में वर्णना रही ए प्रकार भाव आम ग्रंथ निजे पाठ करूँ पूर्वर 7 पीढ़ी और पर 14 पीढ़ी नर्कगामी होता मंदिर तैयारी कले जिते फल मिल मंदिर ठाकुर सेवा ना तो अधिक साप लाभ करेंगे अधिक पाप लाभ करेंगे यह निसंदेह यह प्रथम मत
ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ମତ ହେଉଛି, ଆପଣ ନିଜେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ଠାରୁ ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନାବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣୋଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଜାରେ ଗୁଣା ବେଶୀ ପୁଣ୍ୟଫଳ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ସ୍ୱୀକାର ପୂର୍ବକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପରମାନନ୍ଦ ସାହୁ ଦାଣ୍ଡ ଜିମ୍ଭୀରା ଗାଁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଧିବାମନ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନିଜ ଗାଁରେ ଭଟଲିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବସେଇଦେଲେ, ନେଇ ଆସିଲେ। ସିନା ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେତେ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଚାଳ ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବସେଇଲେ। ହଁ, ସମ୍ପତ୍ତି ନଥାଇପାରେ, ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି, ହେଲେ ଭାବ ଥିଲା, ଭକ୍ତି ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି। ପ୍ରଭୁ ଜଣେ କୃପା କରି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦରିଦ୍ର ପସରା କଣ୍ଠ ରତ୍ନ ହର ବୋଲି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ବସିଲେ, ଲୀଳା ଚାଲିଲା। କାଳକ୍ରମେ ପରମାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୋହୂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାରେ ସେବା କଲେ, ଏତେ ଭାବରେ ସେବା କଲେ ଯେ ସେବାଧିକାରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଦୈବାତ୍, ଏମିତି ଦିନେ ଖରାଦିନେ ତାଙ୍କର ସେ ଚାଳ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଚାଳ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ବୋହୁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲେ, ବୋହୁଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କମଳା, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଲେ। ଆରେ ମୋ ଧନ ପୋଡ଼ିଯିବେ, କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କୁ ନିଆଁ ଗ୍ରାସ କରିବ, ଅଗ୍ନି ଗ୍ରାସ କରିବ, ଏକଥା ଭକ୍ତ କେବେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ? ପଛେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଇଯିବି, ଦାହ ହେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେୟଙ୍ଗରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହଉ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବ ପୋଷଣ କରି ଯେତେବେଳେ କମଳା ଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନେଇ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଣିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦେହର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗରେ ଅଗ୍ନିକ୍ଷତ ଆସିଗଲା, ପୋଡ଼ିଗଲା। ଆଉ କିଛିଦିନ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କମଳା, ଯିଏକି ପରମାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କର ବୋହୁ। ଗାଁ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ମାଇପିଟେ ହେଇକିରି, ସ୍ତ୍ରୀଟେ ହେଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଲା, ଆମର କ'ଣ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି? ପରମାନନ୍ଦ ସାହୁ ଦେଉଳ ତୋଳିଲେ ବୋଲି କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର, ଆମର କ'ଣ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ? ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥରରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା, ଆଉ କାଳିଆ ସାନ୍ତେ ସେଠି ବିଜେ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବଗ୍ରାହିତା। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ଭାବକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱଭକ୍ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଂ, ଯେ ଭକ୍ତର ଚିତ୍ତକୁ ନିଜେ ରଞ୍ଜନ କରନ୍ତି, ମୋହନ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସିନା ବସିଲେ, ଗାଁ ଲୋକେ ଏକାଠି ହେଲେ, କହିଲେ ଯେଉଁ କମଳା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଲା, ଅଗ୍ନିରେ ଅଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେଲା, ନିଜେ ଦାହ ହେଇଗଲା, ଆରେ ଇଏ ତ ଏ ଜାତିର ପ୍ରେମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ। ଏଠି ପାଇକର ଭଉଣୀଟିଏ ତା ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ, ହେ ଭାଇ ମୁଁ ତୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି, ପଛେ ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯିବୁ, ମରିଯିବୁ, ହେଲେ ମୋ କାଳିଆ ବଳିଆ ଦୁଇ ଭାଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହଜାରେ ବର୍ଷ କାଳ, ପରାର୍ଦ୍ଧେ ବର୍ଷ କାଳ ସାନ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିବ, ମୋ ରାକ୍ଷୀର ମୂଲ ତୁ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ରାକ୍ଷୀରେ ଦେବୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ କମଳା ମା' ଜଣକ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରେୟଙ୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦାହ କରିଦେଲେ, ଅଗ୍ନିରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିମାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ, ଦଧିବାମନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ କମଳାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ସତ୍ୟବା ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିହାରୀ, ଯେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିହାରୀ ସେବକ ରହିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାରୀ ପ୍ରତିହାରକ ପ୍ରହରୀ ଭଳିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଇଏ କମଳା ସତେ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରହରୀ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବକୁ ପୋଷଣ କରି ସେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ସେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ 1912 ମସିହାରେ ନୂତନ ନବନିର୍ମାଣ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କରାଗଲା, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜିତ ହେଲେ। ବିରାଜିତ ହେଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ପୀଠରେ ଆଜି ବି କମଳାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମାଆଟିଏ, ନାରୀଟିଏ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିନଥିବା, ପାଠ ବେଶୀ ପଢ଼ିନଥିବା ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆମର ଅନେକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଆଶା, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଥିବା ଅନେକ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ସେ ଆଶାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ବ୍ରତୀ ହେବେ। ଏହି ଭାବ ସହିତ ଆପଣ ଖୁବ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
Thank you.